लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। दोनों पार्टियां विभिन्न रूपों में तैयारियों में जुट गई हैं। प्रत्याशियों की कई जगह घोषणा हो गई है और सभी नामांकन भरने का दौर भी चल रहा है। विभिन्न रूपों में पार्टियां अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। किसकी सरकार बनेगी और कौन बनेगा सांसद और कौन बनेगा प्रधानमंत्री, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बार की सभी अपने अपने स्तर पर विभिन्न रूपों में तैयारियां कर रहे हैं। हमारे साथ में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे राजस्थान में चंद्रजीत सिंह भी, वरिष्ठ नेता कई पार्टियों के रहे हैं और कई पार्टियों के सलाहकार भी रहे हैं, कई नेताओं के सलाहकार भी रहे हैं। ऐसे में इन्हें चाणक्य की उपाधि भी कई रूपों में दी गई है। हमारे साथ में चंद्रजीत जी हैं, अब की बार किसकी सरकार और कौन कैसे और किसकी नैया होगी पार, जी बताएं। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पुनः बनेंगे अकेले अपने दम पर बहुमत के साथ, और एनडीए का जो वोट मिलेगा वो इनका भागीदार होगा और वो सरप्लस वोट होगा। राजस्थान में 25 में से तकरीबन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर चुनाव जीतेगी। हाँ, दो चार जगह टकराव तो होता है, ये लोकतंत्र की आवश्यकता भी है। हो सकता है कोटा में, जोधपुर में या और दो चार जगह टकराव हो, परंतु तो कथा जीत तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की होगी। असल में अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हारेगा तो हार उसकी होगी और जीतेगा तो जीत नरेंद्र मोदी के चेहरे की होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं मेवाड़ आया था, मैं हमारा विश्वनाथ सिंह जी के चुनाव में भी आया था और मैंने कहा सीपी जोशी को बहुत बुरी तरह हारना पड़ेगा और मेरी बात सही निकली। मैंने यही पर घोषणा की थी 115 सीट लाएगी और बीजेपी 115 सीट लाई। अब मैं कह रहा हूँ 5 लाख वोट से महिमा कुमारी सिंह जीतेगी, दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। और आपको आश्चर्य होगा वो मेवाड़ इलाके की 4 सीटों पर जीतेगी, उससे भी ज़्यादा डेगाना, मेड़ता, जैतारण और ब्यावर में जीतेगी। ये मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि पूरा देश मेवाड़ के घराने को किसी सच्चे घराना नहीं मानती, भारत के इतिहास का जनक मानती है, हिंदुत्व का रक्षक मानती है, सनातन का प्रेमी मानती है, एकलिंग का भगत मानती है। इसलिए उन्हें सर्वोच्च सहयोग मिलेगा और मैं दावे से कह सकता हूँ महिमा कुमारी सिंह को टिकट देकर जिस बुद्धिमत्ता का परिचय भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसके कारण पूरे मेवाड़ और भीलवाड़ा में एक भी सीट पर कांग्रेस चुनाव नहीं जीतेगी, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। मैं फिर आऊँगा चुनाव के दौरान, 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूँगा, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। लोग मुझे कहते हैं 25 में से 25 आ रही है, फिर आप क्यों प्रचार करते हो? प्रचार करना हमारा कर्तव्य है, एहसान लादने के लिए नहीं करते, प्रतिफल के लिए नहीं करते, लाभ उठाने के लिए नहीं करते। हमारा मॉरल और नैतिक चरित्र है कि हम आए और हिंदूवादी, राष्ट्रवादी, देशभक्त मोदी जैसे महान नीतिकार और विदेश विशेषज्ञ और राष्ट्र के गुणी प्रधानमंत्री के समर्थन में करें। हमारा योगदान हो सकता है उतना ही होगा जितना समुद्र पार कर बनाते समय गिलहरी की पूछ का हुआ था, पर था तो नाम तो उसका भी आता है ना। आप कब यार टू सपोर्ट विश्वराज सिंह जी वाइफ फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शन एंड आई चैलेंज सिविल विद मोर देन 5 लाख वोट्स, यू कैन हियर ऑन द 4th June दिस वेरी रिजल्ट। चंद्रजीत जी, जिस रूप में कांग्रेस की भी तैयारियां हो रही है और कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि अब की बार तो भारतीय जनता पार्टी को भारी रूप से शिकस्त मिलेगी और सरकार केंद्र में उन्हीं की बनेगी, आप बड़ी अजीब बात कर रहे हो। अरे पत्रकार महोदय, कांग्रेस ने पहले कहा वी विल रिपीट दी गवर्नमेंट, हो गई रिपीट, हो गया प्रोबीट, भाग गया गहलोत, जमानत जब्त हो गई, बेटा हरा और खुद। अरे साहब, कांग्रेस हो तो जब कोई मैदान में होगा तो युद्ध होगा, मैदान में ही नहीं है। कांग्रेस के उम्मीदवार मिलने, टिकट मिलने पर छोड़ छोड़ के भाग रहे, दर्शन आपका उदाहरण है। अभी कांग्रेस संस्था समाप्त हो चुकी है। हाँ, कांग्रेस अगर अपने पुराने इतिहास पर रहती तो शायद कुछ बच जाती, पर आज कांग्रेस के पास क्या गोविंद वल्लभ पंत है, कहाँ मुरारजी देसाई है, कहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल है, कहाँ टी टी कृष्णामाचारी है, कहाँ वी के कृष्णा मेनन है। मरी हुई है कांग्रेस, डरी हुई है कांग्रेस और इसलिए हारी हुई है कांग्रेस।